एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हाई बन। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन क्विक न्यू हाई बन हेयर स्टाइल है और बहुत ही इजी है, कोई भी बना लेगा। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिलाई कोच प्रीत तिवारी। अगर आपको सिलाई में इंटरेस्ट है, सिलाई सीखना चाहते हो, उस चैनल पर जरूर जाइए। उसमें मैं सिलाई में बारीकियाँ जो होती हैं, मिस्टेक होती हैं आप लोगों से, वो सारी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ और डिज़ाइनर ड्रेस वगैरह वहाँ पे बताते रहती हूँ। तो प्लीज़ जाके चेकआउट कीजिएगा, पसंद आ जाए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। और इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है, तो वहाँ पे भी जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक रबर बैंड चाहिए इस तरीके का, तो मैंने यहाँ पे रबर बैंड ले लिया है। सारे बालों को हाई पोनी बना लेनी है। हाई बन बनाने के लिए हाई पोनी तो बनानी पड़ेगी। अगर आपको हाई पोनी बनानी नहीं आती है, नहीं बन पाती है, पीछे चली जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है, सारे सिर को अपने नीचे करना है और पीछे की तरफ से सारे बालों को इस तरीके से कॉम कर लेना है। अच्छे से कॉम करके अपना जो ईयर होता है उसके जस्ट ऊपर वाला क्राउन एरिया जो हमारा होता है, वहाँ पे सारे बालों को लेके जाना है। बहुत सारी इसी तरीके की अमेजिंग हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जैसे पतले बालों के लिए हेयर स्टाइल, लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा पतले झड़े हुए बालों के लिए भी हेयर स्टाइल है, छोटे बालों के लिए भी हेयर स्टाइल, बहुत ज़्यादा छोटे बालों के लिए भी हेयर स्टाइल है, और अलग अलग डिफरेंट फेस फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल मिल जाएंगे। साड़ी के लिए, सूट के लिए, मतलब ऑल टाइप हेयर स्टाइल की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो अच्छे से कॉम करने के बाद से आपको क्या करना है, सिंपली एक रबड़ लगा देना है यहाँ पर। ओके, तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो हो सकता है कि अगर आप बैगिनर्स हो तो पीछे चला जाए आपका ये जो हाई पोनी है, तो आप सिर नीचे किए कि यही रबड़ बैंड लगा दीजिएगा। और थोड़ा रबड़ बैंड को टाइटली लगाइएगा, लूज करने पे कई बार बन हमारा पीछे चला जाता है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पोनी तो हमारी बिल्कुल हाई बन चुकी है। अभी क्या करना है, बिल्कुल फ्लैट लुक आ रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका ओवल फेस है या फिर लॉन्ग फेस है तो लॉन्ग फेस में भी फ्लैट अच्छा नहीं लगता है, साइड फ्लिक्स अच्छे लगते हैं। अगर राउंड है, चौकोर फेस है, तो आप थोड़ा थोड़ा हेयर्स को इस तरीके से खींच लीजिए चारों तरफ से, ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा दिखे और जैसे टाइट होने की वजह से हमारे स्कैल्प में दर्द हो जाता है वो भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से खींच लोगे तो, और आपके हेयर स्टाइल का लुक भी अच्छा आएगा। देखिए पफ यहाँ पे इजिली बन गया हमारा। बैक से भी आप चाहो तो खींच सकते हो थोड़े थोड़े हेयर्स को। इसके बाद क्या करना है, अपने बालों को सिंपली टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और जैसे आप सिंपल चोटी बनाते हो ना उसी तरीके से जो टू पार्ट्स डिवाइड किए उसमें से एक पार्ट्स लेके और सिंपल चोटी बना दीजिए। इसको 3 लेयर्स में कर लीजिए और सिंपली जो ब्राइड बना लीजिए। पूरा एंड तक ब्राइड बनाना है। मेरे हेयर नीचे से थोड़े से डैमेज हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी अपने हेयर कट की वीडियो भी अपलोड करूँगी, जैसे ये हेयर कट की वीडियो अपलोड करूँगी ताकि और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल की वीडियो, जैसे हेयर के एंड्स ख़राब हो जाते हैं तो आप कोई भी हेयर स्टाइल करो एंड्स बहुत गंदे दिखते हैं, इसके लिए आपको थोड़े कट करते रहना चाहिए अपने बालों को, और इस तरीके से हल्का हल्का इसको खींच लेना है। ओके, पूरा ऊपर तक खींच के इस तरीके से पूरा कर लेना है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सिंपली आपका जो रबड़ बैंड है उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट देना है। लपेटने के बाद से एक यू पिन ले लीजिए और जो आपने एंड में जो आपका हेयर का एंड है वहाँ पे आप इसको यू पिन से सेट कर दीजिए। फिर जो आपका ये लेयर बचा हुआ है हेयर का, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और सिंपल जैसे हमने अभी चोटी बनाई थी उसी तरीके से इसको भी गूँथ लेंगे पूरा एंड तक। ओके, इस तरीके से खींचते जाएंगे बालों को। ये इसलिए खींच रहे हैं ताकि आपके बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं, तो आपके आपका जो बन है वो बड़ा दिख सके और मैसी दिख सके। तो ये देखिए बन गया हमारा इजीली ये क्विक हाई बन हेयर स्टाइल।
और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है। आपको कैसा लगा ये वाला बन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। तो पतले हल्के बालों में भी और लंबे भी बाल हैं, पतले हैं बहुत, लंबे बालों में पतला और बहुत हल्का बाल है तो ये आप बन बना सकते हो। तो ये है बन का फाइनल लुक। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम बहुत पतले और लंबे बालों के लिए हेयर स्टाइल बताइए, तो जिसके भी पतले और लंबे बाल हैं वो हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से दो चार यूपिन्स लगा लीजिएगा ताकि आपका हेयर स्टाइल खुल ना जाए बाद में। बाय बाय।